हेलो, मैं विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी, और आज हम 12th क्लास से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंट था कि जो करेक्टर ट्रांसफर करता है, यानी कि जो मेंडल ने कहा था कि इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्योंकि मेंडल ये बात नहीं बता पाया था कि इनहेरिटेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। उसने सिर्फ एक बात कही कि फैक्टर, लेकिन उस फैक्टर का वो फिजिकल अपीयरेंस नहीं दे पाया था। तो मेंडल ने ये बात कही कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन उस इनहेरिटेंस के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है वो ये नहीं बता पाया। दूसरा एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम हमने क्या पढ़ा था, फ्रेडरिक नेजर, जिसने क्या किया था 1869 में एक सेल में एक चीज देखी और उसका नाम उसने रख दिया न्यूक्लीन। बाद में पता चला कि वो न्यूक्लीन एक्चुअल में क्या था, हमारा डीएनए था। ये दोनों जो काम कर रहे थे लगभग सेम टाइम में कर रहे थे, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला था कि जेनेटिक मटेरियल कौन है सेल में। तो इसकी डिस्कवरी में बहुत लंबा टाइम लगा। 1926 में थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ी और जो ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये मॉलिक्यूलर लेवल पर आ गया कि सेल्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे हमने 11th क्लास में बायो मॉलिक्यूल्स पढ़े, तो जो डीएनए आरएनए ये हमारा किस में आता है, बायो मॉलिक्यूल्स में आता है। तो वो मॉलिक्यूलर लेवल पर पहुंच गया। इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट थे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें एक चीज और निकल के आई कि क्रोमोजोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अभी भी ये बात नहीं पता थी किसी को कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो एक साइंटिस्ट जिसका नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ था, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया 1928 में, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था और किस पर था वो देखते हैं। चलो, तो जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ था, इसको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हो गया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो गया। तो उसने किस पर एक्सपेरिमेंट किया वो बात देखते हैं। तो उसने एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। उस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को उसने लेबोरेटरी में एक पैट्रिक डिस्क में कल्चर कराया, ग्रो कराया। ग्रो कराया तो उसने क्या देखा, जो कुछ बैक्टीरिया थे वो साइनी कॉलोनी बना रहे थे, और कुछ जो थे वो रफ कॉलोनी बना रहे थे। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि साइनी कॉलोनी क्यों बना रहे थे। तो उसने जब उनकी स्टडी की तो पता चला जो ये साइनी कॉलोनी बना रहे थे उसका सबसे पहले तो उसने नाम रखा एस्टे, और जो रफ कॉलोनी बना रहे थे उन बैक्टीरिया का नाम रख दिया उसने आर स्टे। क्वेश्चन अराइज हुआ कि साइनी कॉलोनी के पीछे रीजन क्या है, ये रफ बना रहे हैं, ये साइनी बना रहे हैं, तो उसके पीछे उसने रीजन क्या देखने को मिला कि जो ये क्या था, शाइनी कॉलोनी बना रहे थे जिसको उसने स्मूथ S4 साइनी कह सकते हैं, S4 स्मूथ बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, R4 रफ भी था। ठीक है, तो R4 हो गया रफ, तो R स्टेन और S स्टेन दैट इज स्मूथ स्टेन। तो स्मूथ स्टेन के पीछे रीजन क्या था, वो रीजन ये था कि उन बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल ये हमारा स्मूथ बैक्टीरिया है, स्मूथ बैक्टीरिया के ऊपर एक म्यूकस कोट प्रेजेंट था जो कि पॉलीसेक्राइड का बना हुआ था। ये बैक्टीरिया हो गया जो साइनी कॉलोनी बना रहा था,
इस बैक्टीरिया को उसने जब डिटेल में देखा तो उसके बाहर एक म्यूकस का कोट था जो किसका बना था, पॉलीसेकेराइड का, और इसी वजह से ये वायलेंट भी था, यानी कि ये डिजीज कोज करता था। कौन सी डिजीज? निमोनिया। रफ, इसके बाहर कोई कोटिंग नहीं थी इसीलिए ये रफ था और डिजीज कोज नहीं कर रहा था। उसने क्या किया, देखो उसने क्या किया, उसने माइस लिया और उस माइस में पहले रफ स्टेन इंजेक्ट कर दी। अब रफ स्टेन वायलेंट नहीं थी यानी कि डिजीज कोज नहीं कर रही थी, तो उस माइस को निमोनिया नहीं हुआ और वो माइस बच गया, जिंदा रहा। लेकिन सेकेंड टाइम उसने क्या किया, माइस लिया और माइस में एस स्टेन को इंजेक्ट किया। अब हमने अभी बात की है कि ये क्या कोस कर रहा था, निमोनिया। उस चूहे में, माइस में एस स्टेन डाली, उसको निमोनिया हो गया और निमोनिया की वजह से वो माइस डाई हो गया। अब उसने क्या किया, अब उसने जो ये एस स्टेन थी उस एस स्टेन को ट्यूब में लिया और इसको हीट कर दिया। एस स्टेन को टेस्ट ट्यूब में लेकर हीट कर दिया तो ये बन गया आपका हीट किल्ड एस स्टेन। उसने इस हीट किल्ड स्टेन को माइस लिया और उस माइस में इस हीट किल्ड को इंजेक्ट कर दिया। किसको इंजेक्ट कर दिया, हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट किया तो उसने कमाल की बात देखी, सरप्राइज हो गया ये देखकर कि वो चूहा नहीं मरा, जिंदा रहा। उसने फिर एक और चीज की, क्या किया, माइस लिया, माइस लेकर आर स्टेन में उसने हीट किल्ड एस बैक्टीरिया यानी कि आर स्टेन और हीट किल्ड एस स्टेन को उसने मिक्स कर दिया। मिक्स किया और फिर उसको माइस में इंजेक्ट कर दिया। फिर सरप्राइज हो गया क्योंकि चूहा जो है वो मर गया। और यहां से उसने एक कंक्लूजन निकाला कि इस हीट किल्ड एस स्टेन से कुछ समहाउ ट्रांसफर हो रहा है इस आर स्टेन में, जो कि इस आर स्टेन को किस में चेंज कर रहा है, स्मूथ में, जिसकी वजह से ये चूहा जो है वो मर गया। इस बात का कंफर्मेशन कैसे हुआ कि ये चूहा, जब उसने ये किया ये चूहा मर गया, क्योंकि जब उसने मरे हुए चूहे से सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लिया, तो उसे क्या मिला, ना तो रफ मिला ना हीट किल्ड स्मूथ मिला, क्या मिला, ये स्मूथ स्टेन मिली। इसीलिए उसने ये कंक्लूजन निकाला, कौन सा कंक्लूजन, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और क्या था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्टेन समहाउ चेंज इनटू और समथिंग समथिंग ट्रांसफर इनटू आर स्टेन, which change the R stain into S
स्टेन और यू कैन से रफ स्टेन इनटू स्मूथ स्टेन। ये था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ। अब ये एक्सपेरिमेंट उसने कर तो दिया लेकिन अधूरा था। क्यों था अधूरा? क्योंकि उसने कहा कुछ हाँ समहाउ कैसे ये रफ जो है स्मूथ में चेंज हो गया, लेकिन उस समहाउ का उसके पास आंसर नहीं था कि ऐसा स्मूथ में से क्या गया रफ में कि उसने रफ को स्मूथ में कन्वर्ट कर दिया, तो वो ये चीज नहीं बता पाया। दूसरी बात वो ये भी नहीं बता पाया कि इसमें माइस का क्या कोई रोल है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है इस ट्रांसफॉर्मिंग में क्या माइस का कोई रोल है, वो ये भी नहीं बता पाया। तो उसका एक्सपेरिमेंट यहीं पर अधूरा रह गया। और ये था ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है एग्जाम्स में। तो ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। हम टोटल 4 एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और उन चारों में से स्टार्टिंग में हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो उन चारों में से एक एक्सपेरिमेंट एग्जाम में 100% आता है। 100% 99 भी नहीं कहूंगा मैं, 100% आता। तो उन चारों एक्सपेरिमेंट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।